ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का ट्रेनिंग कोर्स हमारे यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, चिमनी, गीजर, वाटर प्यूरीफायर और गैस स्टोव, इसका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स हम कंडक्ट करते हैं। वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस में लगने वाली पीसीबीज, मतलब एसी की पीसीबी, फ्रिज की पीसीबी, वॉशिंग मशीन की पीसीबी, ओवन की पीसीबी, चिमनी की पीसीबी और इंडक्शन की पीसीबी कैसे रिपेयर किया जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट में इसका भी ट्रेनिंग कोर्स हम कंडक्ट करते हैं। आज हम जो पीसीबी देख रहे हैं, ये चिमनी की पीसीबी है। ये कंपनी है ग्लेन। अभी ये जो चिमनी की पीसीबी है, इसमें हम प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले जब हम इसमें फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो फिजिकल इंस्पेक्शन में हमें यहाँ पे कैपेसिटर बस्ट हुआ दिख रहा है। इसमें ओपन है कैपेसिटर। उसके बाद में जैसे फिजिकल इंस्पेक्शन में अभी तो कहीं हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है इसमें, तो सबसे पहले अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एसी साइड है, जहाँ पे एसी हम देते हैं सप्लाई 220 वोल्ट, वहाँ पे देख लेंगे जैसा फ्यूज़ ओके है क्या हमारा। फ्यूज़ ओके होने के बाद में जैसे इसमें ब्रिज बना हुआ होता है, तो इसका जो ब्रिज है ये बैक साइड में इसमें ब्रिज है, तो ये एसएमडी में इसमें ब्रिज बना हुआ है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये भी हम चेक कर लेंगे। उसके बाद में जैसे चेक करने के बाद में हमें यहाँ पे कैपेसिटर तो चेंज करना ही है, क्योंकि ये कैपेसिटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी ये कैपेसिटर हम चेंज करेंगे तो उसके पहले एसी साइड हम चेक कर लेते हैं। मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पे डाल देता हूँ, बजर मोड पे। तो जैसे इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे न्यूट्रल है, तो लाइन से फ्यूज़ के ऊपर में ट्रैक आती है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। फ्यूज़ भी चेक कर लेंगे, फ्यूज़ भी हमारा ओके दिखा रहा है। फ्यूज़ ओके दिखाने के बाद में जैसे बैक साइड से हम अपनी पीसीबी जब देखते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा फेज़ है, यहाँ पे हम फेज़ देंगे, तो ये फेज़ फ्यूज़ के ऊपर में आ रहा है। ये फ्यूज़ यहाँ पे कंटिन्यूटी हुआ है। फ्यूज़ यहाँ कंटिन्यू होने के बाद में यहाँ से जब हम देखते हैं, तो ये जो फेज़ जा रहा है ये रिले के लिए जा रहा है, तो सारे रिले के लिए ये जो ट्रैक है फेज़ की बनी, ये कॉमन है। जब ये रिले स्टार्ट होते हैं तो रिले यहाँ पे आउट करते हैं, तो आउट जब रिले करेंगे तो यहाँ पे इसका आउट आता है रिले का, तो ये आउट आता है हमारे मोटर के लिए, तो यहाँ पे इसमें थिम्बल बने हुए हैं। अभी हम इसमें जब देखते हैं, जो हमारा लाइन आ रहा है, तो लाइन हमारा ब्रिज के ऊपर में आ रहा है। लाइन ब्रिज के ऊपर में हमारा जो आ रहा है, ये हमारा रेजिस्टर के थ्रू आ रहा है। ये हमारा 1 वाट का रेजिस्टर इसमें लगा हुआ है, तो ये भी हम चेक कर लेंगे हमारा जो रेजिस्टर है ओके है क्या। मीटर को मैं रेजिस्टर मोड पर डाल लेता हूँ, हम इसमें रेजिस्टर इसका चेक कर लेंगे। रेजिस्टर में भी इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब ये रेजिस्टर हमारा ओपन है। तो सबसे पहले हम ये रेजिस्टर इसका चेंज कर देते हैं। रजिस्टर हमने निकाल लिया है, यहाँ पे रजिस्टर हम नया लगा देंगे इसमें। रजिस्टर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया इसमें। रजिस्टर चेंज करने के बाद में सबसे पहले हम रजिस्टर की इसमें वैल्यू आपको बता देते हैं। जो इसमें रजिस्टर लगा था
ये हमारा 100 ओम का रेजिस्टर है, 100 ओम इसमें शो कर रहा है। अभी इसके बाद में जैसे हम देखते हैं कंटिन्यूटी मोड पे डाल देंगे मीटर को, यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, जो हमारा ब्रिज लगा हुआ है यहाँ पे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, ये SMD में है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी से। यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल देते हैं, यहाँ चेक करेंगे शॉर्टिंग तो नहीं है, शॉर्टिंग नहीं आ रही है। उसके बाद में जहाँ पे DC कन्वर्ट होता है यहाँ देखेंगे शॉर्टिंग आ रही है क्या, नहीं आ रही है। DC से AC साइड में देख लेंगे कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है। निगेटिव से देख लेंगे AC साइड, शॉर्टिंग नहीं है। कई बार ऐसा होता है जब ये हमारा रेजिस्टर ओपन हुआ होता है, बाय चांस ऐसे चांसेस भी होते हैं इसमें कि हमारा ब्रिज भी ख़राब हुआ हो सकता है। तो अभी हमारा ब्रिज इसमें ओके दिखा रहा है। तो जैसे लाइन हमने ट्रेस किया, लाइन हमारे सारे रिले पे जा रही है इसमें, उसके बाद में यहाँ से ही ब्रिज के ऊपर आ रही है। ब्रिज के ऊपर लाइन तो आ गई, न्यूट्रल हमारा जो आ रहा है तो न्यूट्रल हमारा यहाँ से आ रहा है, तो न्यूट्रल जो हमें मिल रहा है डायरेक्ट यहाँ पे ब्रिज के ऊपर मिल रहा है यहाँ पे। तो न्यूट्रल ब्रिज के ऊपर मिलने के बाद जैसे यहाँ पे AC मिल रहा है तो यहाँ से हमारा DC कन्वर्ट हो रहा है 300 वोल्ट। अभी 300 वोल्ट DC यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे दो कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इसमें, ये लगे हैं हमारे 6.8 450 वोल्ट के इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं। अभी ये कैपेसिटर भी हम जैसे ये वाला कैपेसिटर हमें फिजिकल डैमेज दिख रहा है, तो ये कैपेसिटर हम इसमें चेंज कर देते हैं, और उसी के साथ साथ इस कैपेसिटर की भी हम रीडिंग चेक कर लेंगे। अभी कैपेसिटर चेंज करने के पहले जैसे यहाँ पे VDR लगा है और यहाँ पे X2 कैपेसिटर लगा है, तो ये दोनों भी हम चेक कर लेते हैं। पहले कंटिन्यूटी मोड पर ही चेक कर लेंगे इसे हम, क्योंकि लाइन और न्यूट्रल पर लगा होता है VDR। ये भी ओके दिखा रहा है, कैपेसिटर चेक कर लेंगे, कैपेसिटर में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी जैसा ये जो कैपेसिटर फिजिकली इसमें जो डैमेज है हमारा 6.8 450 वोल्ट, ये निकाल के हम इसमें पहले तो नया कैपेसिटर लगा देते हैं, उसी के साथ साथ ये जो कैपेसिटर इसका जो लगा हुआ है जो फिजिकली डैमेज नहीं है उसका भी रीडिंग हम चेक कर लेंगे। तो पहले हम ये कैपेसिटर रिप्लेस कर देते हैं इसमें, जैसे इसमें हम कैपेसिटर डाल रहे हैं 6.8 माइक्रोफैराड का, ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो डालने के पहले इसे हम चेक कर लेंगे, ये रीडिंग इसमें शो कर रहा है। अब ये कैपेसिटर चेंज कर देंगे, हमने इसमें जो कैपेसिटर चेंज किया है तो उसी के बाजू का जो कैपेसिटर इसमें लगा है ये भी 6.8 माइक्रोफैराड का है, ये भी हम इसमें चेक कर लेते हैं प्रॉपर रीडिंग दे रहा है क्या हमें। अभी जैसे हम ये कैपेसिटर चेक कर रहे हैं 121 माइक्रोफैराड दिखा रहा है, ये PCB में लगे होने की वजह से इसमें रीडिंग थोड़ी ज़्यादा दिखा रहा है, पर वैसे ये कैपेसिटर हमारा इसमें ओके है। अभी ओके होने के बाद में जैसे हमें इसमें देखना है, यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, और ये दूसरा भी कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इंडक्टर डायोड और सिरेमिक कैपेसिटर और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये भी हम चेक कर लेते हैं इसमें। मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पर डाल लेता हूँ, इंडक्टर चेक कर लेंगे ओके दिखा रहा है, डायोड चेक कर लेते हैं हमारा, डायोड भी इसमें ओके दिखा रहा है, सिरेमिक कैपेसिटर चेक कर लेंगे हम,
सिरेमिक कैपेसिटर भी इसमें ओके दिखा रहा है। अभी जैसे यहाँ पे 300 वोल्ट क्रिएट होता है, उसके बाद में जैसे यहाँ पे पावर आईसी लगी हुई है, पावर आईसी के बाद में यहाँ पे जैसा यहाँ पे चॉपर लगा हुआ है, तो ये हमारा एसएमपीएस इसमें सेगमेंट हुआ है। पावर आईसी इसमें जो लगी हुई है ये एसएमडी में लगी हुई है इसमें। अभी इसमें हमें ये चेक कर लेना है, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चेंज कर दिया है तो हम ये भी सेगमेंट इसका चेक कर लेंगे सर्किट कि इसमें कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटर था ये बर्स्ट हो चुका था, तो एक बार चेक करना ज़रूरी है क्योंकि शॉर्टिंग भी हो सकती है कभी। तो हम इसमें पहले तो रेजिस्टर्स चेक कर लेते हैं, एमएलसीसी चेक कर लेंगे, डायोड चेक कर लेंगे, कंटिन्यू मोड पे एमएलसीसी चेक कर लेते हैं इसके। ओके दिखा रहा है, ये भी ओके दिखा रहा है, डायोड चेक कर लेंगे इसमें, डायोड भी इसमें ओके दिखा रहा है, रेजिस्टर्स चेक कर लेते हैं, 150 kΩ ओके दिखा रहा है, ये भी चेक कर लेंगे, ये भी ओके दिखा रहा है, ये रजिस्टर चेक कर लेते हैं, ये भी ओके दिखा रहा है, ये रजिस्टर चेक कर लेंगे, ये भी ओके दिखा रहा है। अभी जैसे इसमें सेगमेंट में यहाँ पे तो एसएमबीएस की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है हमें। अभी इसमें हम सप्लाई देके देखते हैं, फेज न्यूट्रल इसमें दे देते डायरेक्ट, फेस कनेक्ट कर दिया है, न्यूट्रल भी कनेक्ट कर देंगे इसमें हम, न्यूट्रल भी हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। इसमें भी सप्लाई देके देख लेते हैं, सप्लाई मैंने इसमें दे दिया है। अभी इसमें हम ये चेक कर लेंगे, पहले तो एसी चेक कर लेंगे इसमें कितने वोल्ट हमें आ रहे हैं, टू फोर्टी वोल्ट हमें इसमें मिल रहा है। अभी 240 वोल्ट मिल रहा है तो ये ब्रिज के बाद में यहाँ पे डीसी होना चाहिए, तो डीसी में चेक कर लेंगे 300 वोल्ट डीसी हमें इसमें मिल रहा है क्या, यहाँ पे 325 वोल्ट डीसी हमें इसमें मिल रहा है, मतलब ब्रिज से हमें प्रॉपर वोल्टेज इसमें मिल रहा है। अभी प्रॉपर वोल्टेज इसमें ब्रिज से मिलने के बाद में हमें तो इसमें पहले डिस्प्ले कनेक्ट कर देते हैं, और डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद में इसमें हम देखेंगे पीसीबी में कोई प्रॉब्लम है क्या। पावर ऑफ करता हूँ मैं, डिस्प्ले हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, पावर सप्लाई ऑन करता हूँ, इसमें इसका डिस्प्ले वर्क नहीं कर पा रहा है, डिस्प्ले इसका वर्क क्यों नहीं कर पा रहा है ये भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि सप्लाई तो हमने दे दिया है। सप्लाई देने के बाद में हमें यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी भी इसमें मिल रहे हैं। अभी जैसे इसमें 300 वोल्ट डीसी हमें तो मिल रहा है, अभी यहाँ पे जैसे हमारे इसमें रेगुलेटर आईसी लगी है तो रेगुलेटर पे हम चेक कर लेते हैं इनपुट पे कितने वोल्टेज आ रहा है इसमें, इनपुट में यहाँ पे हमें 11 वोल्ट मिल रहे हैं, आउटपुट पे चेक कर लेंगे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इस पर आउटपुट पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहे, इनपुट पे हमें इसमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमें 5 वोल्ट्स का आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिल पा रहे प्रॉपर, मतलब इसका मतलब ये है हमारा जो रेगुलेटर है ये रेगुलेटर इसका ख़राब है, तो रेगुलेटर इसका हम चेंज कर देंगे। इसका रेगुलेटर हमने निकाल लिया है, इसका ब्रेक होने का रीज़न ये होता है इसके नीचे में जैसा ग्लू लगा होता है इसके वजह से निकालते वक्त इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आता है, तो ये हमने रेगुलेटर इसका निकाल दिया है, इसमें नया रेगुलेटर हम लगा देंगे, अभी नया रेगुलेटर इसमें डाल देते हैं हम, इसमें
7805। सेवन एट जीरो फाइव हमने यहाँ पे इसका चेंज कर दिया है। अभी हम ये चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी मोड पे डालने के बाद में प्रॉपर लगाया क्या हमारा, ग्राउंड से चेक कर लेते हैं, ग्राउंड इसमें आ रहा है, 5 वोल्ट्स का चेक कर लेंगे इसमें। फाइव वोल्ट्स का भी प्रॉपर है, 12 वोल्ट जहाँ पे हमने लगाया है यहाँ 12 वोल्ट के चेक कर लेंगे, ये भी प्रॉपर है। अभी हम इसमें सप्लाई देके देखते हैं, पहले तो सप्लाई मैंने ऑन कर दिया है, बीप साउंड भी इसमें आ गया है। इसमें हम ये देख लेंगे 5 वोल्ट्स हमें प्रॉपर मिल रहे हैं, 5 वोल्ट्स आ रहे हैं, 12 वोल्ट्स देख लेंगे, 12 वोल्ट्स भी इसमें आ रहे हैं। अभी हम इसमें डिस्प्ले लगा देते हैं इसका, डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया हमने, पावर ऑन कर देते हैं। इसका डिस्प्ले भी इसका ऑन हो चुका है, इसमें लाइट आ चुकी है, अभी इसके ऑन करके देखते हैं। जब हम इस पे अभी डिस्प्ले पे इसके इसमें क्लिक कर रहे हैं तो लाइट आने के बाद में ये लाइट हमारी रिटर्न चली जा रही है, तो ये भी प्रॉब्लम देखेंगे इसमें कि प्रॉब्लम हमारा क्या आ रहा है। इसका डिस्प्ले ओपन कर लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं एक बार इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं, इसमें स्टैंड है क्या, फाइव वोल्ट से यहाँ पे स्टैंड है। इसके बाद में 5 वोल्ट स्टैंड होने के बाद में हमें ये भी इसका चेक कर लेना है, जो डेटा है डेटा के ऊपर में वोल्टेज आ रहे हैं क्या, यहाँ पे भी वोल्टेज इसमें आप मिल पा रहे हैं हमें, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमें ये चेक करना है। अभी जैसे इसमें 5 वोल्ट भी इसका स्टैंड हो रहा है, जैसे इसके हम सारे रजिस्टर्स चेक कर लेते हैं, पहले रजिस्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सप्लाई ऑन कर देंगे इसका, रजिस्टर्स मोड पर चेक कर लेंगे इसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है रजिस्टर में। थ्री हंड्रेड ओम, ये भी 300 ओम का रजिस्टर है, ये भी 300 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर भी रजिस्टर चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमें रीडिंग नहीं मिल पा रही है, ये 300 ओम का रजिस्टर चेक कर लेंगे हम, 300 ओम ही मिल रहा है, यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे मिल रही है रीडिंग, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी मिल रही है, 1K के रजिस्टर लगे हैं यहाँ पे सारे, ये भी 1K दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी चेक कर लेंगे, 1K के रजिस्टर लगे, 1K दिखा रहे हैं, इसके बाद का भी रजिस्टर चेक कर लेंगे, ये भी 1K दिखा रहा है प्रॉपर, इसके बाद का रजिस्टर चेक कर लेते हैं,
ये भी वन के दिखा रहा है, रजिस्टर ओके दिखा रहा है इसमें, ये भी रजिस्टर चेक कर लेंगे इसमें, वन के का रजिस्टर लगाएं, ये भी ओके दिखा रहा है। हमें यहाँ पे जो इस रजिस्टर पे हमें रीडिंग नहीं मिल पा रही है, तो हम ये वाला जो 300 ओम का रजिस्टर ये चेंज कर देंगे इसमें। नया रजिस्टर लगा देंगे यहाँ पे। तो इसमें जैसे हमने रजिस्टर चेंज कर दिया, तो रजिस्टर फिर से चेक कर लेंगे इसमें हम, 300 ओम का इसमें रजिस्टर हमने लगाया है, अभी ये वैल्यू हमारी प्रॉपर शो कर रहा है इसमें। ये वैल्यू हमारी इसमें प्रॉपर शो कर रहा है 300 ओम्स। अभी इसे हम फिर से सप्लाई देके देखते हैं। पीसीबी को पावर दे दिया, प्रोग्राम देखे देखेंगे, पीसीबी स्टार्ट हो गई, स्पीड बढ़ा के देखेंगे इसमें, पीसीबी हमारी वर्क कर रही है। अभी हम ये भी देख लेंगे इसमें जो हमारे रिले है ये प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं क्या। जैसे यहाँ पे एलईडी के लिए लगा है, यहाँ पे 12 वोल्ट हमें आउट मिलते हैं, और ये जो रिले लगे हुए हैं यहाँ से ब्लू से हमें न्यूट्रल मिलता है, और यहाँ से हमें जैसे लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, यहाँ से हमें इसमें सप्लाई आउट मिलते हैं। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं, सप्लाई ऑन कर देते हैं इसमें, पीसीबी ऑन करेंगे, डीसी सप्लाई चेक कर लेंगे हम 12 वोल्ट, यहाँ पे डीसी सप्लाई हमें मिल रहा है, मतलब एलईडी के लिए सप्लाई ऑन है। अभी इसमें हम रिले स्टार्ट करेंगे, रिले का स्टार्ट हो गया, अभी एसी पे चेक कर लेंगे रिले पे सप्लाई मिल पा रहा है क्या हमें। यहाँ पे इसमें रिले में आउट हो रहा है, जैसे इसमें अभी हम यही चेक करेंगे, इसमें स्पीड चेक करेंगे इसकी, तो न्यूट्रल पे मैं रखता हूँ, अभी मैंने फर्स्ट स्पीड पे इसे डाला है, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, मीडियम पे वोल्टेज नहीं आ रहे और हाई पे वोल्टेज नहीं आ रहे। अभी स्पीड चेंज करेंगे इसकी, मीडियम पे डालता हूँ मैं, मीडियम पे वोल्टेज आ रहे हैं, लो पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए और हाई पे भी आना चाहिए। अभी स्पीड हाई पे डालता हूँ मैं इसकी, हाई पे इसमें वोल्टेज आ रहा है, मीडियम पे नहीं आ रहा है और लो पे भी नहीं आ रहा है। इस तरह हमने इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, ये डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसके बाद में 300 वोल्ट डीसी का जो कैपेसिटर वो चेंज किया है, उसके बाद में लाइन से जो हमारे इसमें ब्रिज के ऊपर में जो सप्लाई आता है रजिस्टर के थ्रू, तो ये रजिस्टर भी हमने इसमें चेंज किया है। रजिस्टर चेंज करने के बाद में जैसे हमने इसमें फाइंड किया था कि रेगुलेटर हमारा 12 वोल्ट तो इनपुट दे रहे थे उसमें हम, पर 5 वोल्ट उसमें से हमें आउटपुट नहीं आ पा रहा था, तो हमने इसमें SMDs का रेगुलेटर भी चेंज किया है। अभी हमने ये भी चेक कर लिया है कि 12 वोल्ट हमने इसमें DC वोल्ट आउटपुट मिल पा रहे हैं LED के लिए, उसके बाद में रिले भी प्रॉपर वर्क कर रहा है और डिस्प्ले भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। इस तरह हमने इस ग्लेन की चिमनी रिपेयर की है। धन्यवाद। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े, हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का ट्रेनिंग कोर्स हमारे यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जिसमें AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, चिमनी, गीजर, वाटर प्यूरीफायर और गैस स्टोव, इसका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स हम कंडक्ट करते हैं। वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस में लगने वाली PCBs, मतलब AC की PCB, फ्रिज की PCB, वॉशिंग मशीन की PCB, ओवन की PCB, चिमनी की PCB और इंडक्शन की PCB कैसे रिपेयर किया जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट में इसका भी ट्रेनिंग कोर्स हम कंडक्ट करते हैं।